हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस के स्टडी पॉइंट मथुरा में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा 11th क्लास का ट्राइग्नोमेट्री का जो फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4th। ओके, प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है और 22 सेंटीमीटर की लंबाई का एक चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री की माप का एक कोण बनाएगी, यानी कि हमें बताना है कि सर्कल के सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, जबकि हमारे पास जो है रेडियस जो है वो है, रेडियस जो है 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, और थीटा हमारे पास निकालना है वो भी डिग्री में, और एल जो है हमारे पास चाप जो है वो 22 सेंटीमीटर। ओके, जब हम इस कंडीशन को देखें तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि एल बराबर होता है आर थीटा। ओके, ये कंडीशन का एक फॉर्मूला होता है, L हमारे पास जो है वो है 22 सेंटीमीटर और R जो है हमारे पास 100 सेंटीमीटर। ओके, तो ये टोटली थीटा आ गया। तो ये थीटा किसमें है भाई, रेडियन में। किसमें है, रेडियन में। अभी हमें इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो ये रेडियन में भाई, क्या है ये, रेडियन। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि रेडियन से जब भी किसी नंबर को हमें डिग्री में चेंज करना है तो 180 अपॉन पाई का उसमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखें, यहां पर मैं कर रहा हूं रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री, डिग्री। ओके, रेडियन टू डिग्री की बात करेंगे तो हमें करना क्या है, थीटा इज इक्वल टू 22 अपॉन 100 इनटू 180 अपॉन पाई, और जब मैं पाई की वैल्यू लगा दूंगा यहां पर 22 अपॉन 100 इनटू 180 अपॉन 22 इनटू 7, ये हमारी पाई की वैल्यू लगा दी मैंने, और इसमें पाई की वैल्यू लगाने के बाद एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो 22 से 22 को कैंसिल आउट कर दूंगा, यहां से मैंने एक जीरो कैंसिल आउट किया, और 10 से मैंने इसे 5 टाइम और इसे 9 टाइम कैंसिल आउट कर दिया है। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो वैल्यू रहेगी थीटा इज इक्वल टू 63/5। ओके, ये रहेगा डिग्री में, कितने डिग्री में, डिग्री में रहेगा। तो जब मैं इसका डिवाइड इसमें दूंगा तो 12 टाइम जाएगा, 12 टाइम को मैं इस तरीके से लिख लूंगा, और जो बचेगा वो रहेगा यहाँ पर आपका 3/5। ओके, जब मैं 3/5, ये पूरा डिग्री में है, जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो देखें 12 डिग्री इंटू इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो ये 12 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 टाइम कैंसिल आउट हुआ तो 36 मिनट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 36 मिनट्स हो जाएगा, ये डिग्री नहीं रहेगा भाई, मिनट्स हो जाएगा। तो 12 डिग्री एंड 36 मिनट्स आपका आंसर रहेगा। ठीक है, इसी तरीके के जो है आपको क्वेश्चंस हमारे चैनल पर मिलेंगे। हम आपको इस तरीके के क्वेश्चंस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं।